भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ किस तरह फंस गए बीजेपी की चाल में। यादव बनाम यादव की लड़ाई में भाई दो यादव लड़ते रहे और तमाशा देखती रही बीजेपी। जी हाँ, अखिलेश यादव को कभी अपना बड़ा भाई बोलने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ कभी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कहाँ तो ये तय हो चुका था कि दिनेश लाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़ेंगे। ये वो दौर था जब समाजवादी पार्टी की माला जपा करते थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ के कान में कि वो खिलाफ हो गए अपने ही बड़े भाई के। जी हाँ, अखिलेश यादव उनके बड़े भाई समान है और अपने बड़े भाई के ही खिलाफ किस तरह निरहुआ हो गए, जबकि निरहुआ के सगे बड़े भाई विजय लाल यादव खुद समाजवादी पार्टी के नेता है। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं वहां से जहां से बीजेपी में मनोज तिवारी की एंट्री होती है और मनोज तिवारी को सब भोजपुरी का पितामह कहते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। बीजेपी में एक बड़ी ही ऊंची पोस्ट मनोज तिवारी को दी गई और समाजवादी पार्टी से बड़ी ही बेदर्द तरीके से मनोज तिवारी को निकाल दिया गया। जी हां, मनोज तिवारी की बड़ी फजीती हुई और फिर इसका ही दर्द मनोज तिवारी न जाने कितने दिनों से अपने अंदर लिए बैठे थे। अब हम वो बात कर रहे हैं जहां मनोज तिवारी ने दांव वो खेला जो शायद समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं सोचा होगा। जी हां, समाजवादी पार्टी में ने कभी नहीं सोचा होगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ, क्योंकि कभी वो दौर था जब दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव की जमकर रैलियों में प्रचार प्रसार किया करते थे। आज वही दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुंह है जहां वो अपनी ही रैलियों में अखिलेश यादव की बुराई करते नजर आ रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के आगमन की बीजेपी में। बीजेपी में आना कोई उनका संयोग मात्र नहीं है, या यूं कह ले कि अचानक से दिनेश लाल यादव निरहुआ के मन में देशभक्ति की भावना फूट पड़ी और वो बीजेपी में जाके शामिल हो गए। जी नहीं, कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी में आना दिनेश लाल यादव निरहुआ सोची समझी सारी प्लानिंग की हुई थी। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जानते थे कि इस वक्त लहर मोदी की है, यहाँ जो भी रहेगा वो जीत जाएगा, मोदी के नाम से उनकी नैया पार हो जाएगी, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लो। वैसे बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से लड़ाकर यादव बनाम यादव की जो लड़ाई क्रिएट की वो उन्हें भी नहीं लगा था कि दिनेश लाल यादव इतना ऊपर तक लेके जाएंगे। सभी ने यही सोचा था कि यादव बनाम यादव में हो सकता है अखिलेश यादव दिनेश लाल यादव निरहुआ पर बीस ही पड़े, लेकिन भाई यहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वो समा बांधा कि हवा उनके तरफ कब हो गई ये दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी पता न चला। हाँ, ये बात और है कि भले दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ से जीते या न जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी के नाक में दम और उनकी वोट काटने की रणनीति में वो जरूर सफल होंगे। वैसे गोरखपुर से जो भी खड़ा रहता वो जीत ही जाता, क्योंकि भाई वो योगी का नगर है। योगी जिस बंदे पर हाथ रख देंगे बंदा अपने आप जीतेगा। योगी ने वहाँ सांसद रहते इतना कार्य किया है कि योगी आदित्यनाथ जिसे कहेंगे जनता आंख बंद करके उन्हें वोट डालेगी। तो भाई अगर बीजेपी आजमगढ़ से रवि किशन को लड़ाती तो वो मुकाबला एक तरफा हो जाता रवि किशन बनाम अखिलेश यादव, यानी कि ब्राह्मण बनाम यादव। तो भाई यूपी में जो जाति राजनीति चलती है जहां यादव यादव को ही वोट देगा और ब्राह्मण ब्राह्मण को ही, तो यहां पर ये हो गया मोदी के नाम पर तो ब्राह्मण वोट दिनेश लाल यादव निरहुआ को दे देंगे। ले अब दिनेश लाल यादव निरहुआ यादव हैं तो भाई उन्होंने यादवों की भी सिंपैथी गेन की, लेकिन यही सब कुछ रवि किशन के साथ नहीं होता। उन्हें अगर वोट मिलता तो सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रिय का मिलता, लेकिन यादव या उससे भी नीचे कास्ट वालों का बिल्कुल वोट नहीं ले जाते। लेकिन वहां यादव और उससे भी छोटी जाति का वोट वो कदापि नहीं ले सकते थे। भाई इस तरह बीजेपी ने यादव बनाम यादव की लड़ाई में यहां अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश लाल यादव निरहुआ को खड़ा करके ट्रम्प कार्ड खेला है।
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 23 मई के आने वाले रिजल्ट में क्या होगा, मोदी बनाम अखिलेश या फिर यादव बनाम यादव। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।